हेलो बच्चों, एजुसेट प्रसारण की विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 8 का अध्याय 17 तारे एवं सौर परिवार। इस पाठ को पढ़ने के पश्चात जो हमारी शिक्षण अधिगम की उपलब्धियां होंगी वे इस प्रकार हैं। खगोलीय पिंड क्या है, चंद्रमा व चंद्र कलाओं की विस्तृत जानकारी तथा तारे व तारा मंडल के बारे में विस्तृत जानकारी ज्ञात करना। प्यारे बच्चों, अध्याय 7 का अध्ययन करने के लिए हम वन भ्रमण पर गए थे और इस पाठ को तारे एवं सौर परिवार को पढ़ने के लिए अच्छे से समझने के लिए आज चलेंगे हम किसी दूर क्षेत्र में स्थित एक ग्रामीण रात्रि के आकाश के भ्रमण पर। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि शहरों में प्रदूषण तथा लाइटों की चकाचौंध के कारण खगोलीय पिंड हमें धुंधले नजर आते हैं, हम उन्हें आसानी से नहीं पहचान सकते। लेकिन गांवों में क्योंकि प्रदूषण कम होता है और लाइट भी कम होती हैं, इसलिए वहां का जो रात्रि का आकाश है वो शहरों की तुलना में अधिक साफ होता है और हम वहां ये जानकारी, इनका अध्ययन अच्छे से करेंगे। तो आइए चलते हैं रात्रि के आकाश के भ्रमण पर। ध्यान से देखते चलिए, पूरे आकाश में आपको अनगिनत तारे दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कुछ बहुत अधिक चमकीले हैं जबकि कुछ बहुत ही धुंधले। अब जरा और ध्यान से देखिए, क्या ये सभी तारे टिमटिमा रहे हैं? नहीं, जो पिंड टिमटिमा रहे हैं अर्थात जिनमें प्रकाश झिलमिला रहा है वे तारे हैं, जबकि जो टिमटिमा नहीं रहे हैं वे ग्रह हैं। यही चंद्रमा भी है। ये सभी तारे, ग्रह, चंद्रमा और अन्य बहुत से आकाशीय पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं और इनके अध्ययन को खगोलिकी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने खगोलिकी के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति की थी? उन्होंने तारों, सूर्य, ग्रहों तथा चंद्रमा की गतियों का अध्ययन कर सही सही कैलेंडर और पंचांगों का निर्माण किया। यदि आपको कभी जयपुर, दिल्ली या उज्जैन में बने जंतर मंतर को देखने का मौका मिले तो आप यह जान पाएंगे कि वे समय को कितनी सटीकता से अध्ययन कर पाते थे। तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा की इस चौपाई को पढ़कर देखिए। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीनो ताहि मधुर फल जानु। अर्थात एक युग बराबर होता है 12,000 वर्ष के। एक सहस्त्र का अर्थ है 1,000 वर्ष और एक योजन का अर्थ है 8 मील, जबकि एक मील होता है 1.6 किलोमीटर के बराबर। यदि हम इनकी गणना करें अर्थात एक युग 12,000 गुना एक सहस्त्र 1,000 गुना एक योजन 8, तो हम पाएंगे कि यह जो दूरी होगी ये होगी 9,60,00,000 मील। और यदि इसकी गणना किलोमीटर में की जाए तो यह दूरी बनेगी 15,36,00,000 किलोमीटर, जो कि नासा द्वारा सूर्य और पृथ्वी के बीच कैलकुलेटेड दूरी है। इसी प्रकार 476 से 550 कॉमन एरा के बीच भारत के महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट द्वारा प्रतिपादित कई तथ्य जैसे पृथ्वी का गोल होना, पृथ्वी का नक्षत्रकाल, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण आदि की व्याख्या, ये सभी वर्तमान में ज्ञात जानकारी के काफ़ी करीब हैं। तो बच्चों, अब आपको शायद अंदाज़ा लग गया होगा कि हम भारतीयों का ज्ञान विज्ञान कितना विकसित था। आइए अब चलते हैं चंद्रमा के धरातल पर। आप भी अपनी दादे नानी से सुनते होंगे कि चंद्रमा पर एक बुढ़िया बैठी सूत कात रही है और चंद्रमा में दिखाई देने वाली छाया उसी की है।
परंतु ऐसा नहीं है। चंद्रमा का पृष्ठ धूल से भरा हुआ वह पथरीला है। बहुत बड़े बड़े गड्ढे और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। बहुत से पहाड़ तो हिमालय पर्वत जितने ऊंचे हैं। चंद्रमा पर न पानी है और न ही वायुमंडल, इसलिए वहां जीवन की कोई संभावना नहीं है। और जब पानी वायु नहीं है तो कोई माध्यम भी नहीं है, इसलिए वहां बातचीत भी करें तो सुनाई नहीं देगी। साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखना कि वहां गुरुत्व बल भी पृथ्वी की तुलना में 1/6 भाग है, अतः वहां पर आपका वजन भी कम महसूस होगा। 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखे और उनके बाद एडविन एल्ड्रिन ने। अरे ये क्या, ये तो अपनी शक्ल सूरत बदलते ही जा रहे हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, और पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी चंद्रमा सहित सूर्य की परिक्रमा करती है। साथ ही चंद्रमा सूर्य तथा अन्य तारों की भांति अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। हमें चंद्रमा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित कर देता है। इसलिए हम चंद्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिस भाग से सूर्य का परावर्तित प्रकाश हम तक पहुंचता है। उस दिन को जब चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है, पूर्णिमा कहते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता है। आप देख रहे होंगे, 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। इस दिन को अमावस्या कहते हैं। अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा सा भाग आकाश में दिखाई देता है, इसे बाल चंद्र कहते हैं। इसके पश्चात फिर प्रतिदिन चंद्रमा बड़ा होता जाता है। 15वें दिन एक बार फिर से हम चंद्रमा का पूरा दृश्य देखते हैं। पूरे माह तक दिखाई देने वाली चंद्रमा की प्रदीप भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कुछ अधिक की होती है। बहुत से कैलेंडरों में हम इसे एक माह कहते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये चंद्रमा की यात्रा? अब आप इस बात का पता लगाइए कि हमारे कौन-कौन से त्योहार चंद्रमा से जुड़े हैं। चलिए कुछ हिंट मैं दे देती हूँ। दिवाली, होली और ईद, ये सभी त्योहार चंद्रमा के किसी न किसी विशेष दिन से जुड़े हुए हैं। आइए अब इन तारों को ध्यान से देखिए। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो पिंड टिमटिमाते हैं वे तारे हैं और जो नहीं टिमटिमाते वे ग्रह कहलाते हैं। तो पहले तारों का अध्ययन करते हैं। तारे दीप्त पिंड हैं, अर्थात वे स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने के कारण ये हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इनका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचते समय वायुमंडल की बहुत सारी परतों से होकर गुजरता है और वहाँ प्रकाश का लगातार अपवर्तन होता है। प्रकाश के इस अपवर्तन के कारण ही तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। अपना सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी से 15,36,00,000 किलोमीटर दूर है। इसके पश्चात दूसरा निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंटरी है। इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 4×10^13 किलोमीटर है। कुछ तारे तो इससे भी कहीं अधिक दूर हैं। इतनी अधिक दूरियों को लंबाई के एक मात्रक प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। यदि प्रकाश की चाल 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड है, तो इस प्रकार सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट है।
और अल्फा सेंटरी 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। अच्छा बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि हमें दिन के समय तारे क्यों नहीं दिखाई देते? वे रात में ही क्यों नजर आते हैं? सोचिए। चलिए मैं बताती हूँ। तारे दिन के समय भी होते हैं, परंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण वे हमें दिखाई नहीं देते। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। कोई एक तारा जो सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदय होता है, सामान्यतः सूर्योदय से पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाता है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते क्यों प्रतीत होते हैं? इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं और पता लगाते हैं। किसी बड़े कमरे के बीच में खड़े होकर घूर्णन कीजिए। कमरे में रखी हुई वस्तुएं आपको किस दिशा में गति करती प्रतीत होती हैं? आप ये अनुभव कर रहे होंगे कि इन वस्तुओं को अपनी गति के विपरीत दिशा में गतिमान हो रहे होंगे। तो यही कारण है कि यदि हमें तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते प्रतीत होते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। परंतु आकाश में एक तारा ऐसा भी है जो एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई देता है, और वह है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा एक ऐसा ही तारा है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है, और इस स्थिति के कारण यह हमें गति करता प्रतीत नहीं होता। कुछ तारे उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देते हैं, जबकि उन्हें दक्षिणी गोलार्ध से नहीं देखा जा सकता। इसी प्रकार कुछ तारे दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देते हैं और उत्तरी गोलार्ध में उन्हें नहीं देखा जा सकता। ध्रुव तारा भी हमें उत्तरी गोलार्ध में ही दिखाई देता है, इसे दक्षिणी गोलार्ध में नहीं देखा जा सकता। आइए बच्चों, अब इन तारों में हम कुछ तारामंडल ढूंढने का प्रयास करते हैं। इन असंख्य तारों में हम भला तारामंडल कैसे ढूंढेंगे? आइए मैं बताती हूँ तारामंडल क्या होता है और इन्हें कैसे पहचाना जा सकता है। पहचाने जाने योग्य आकृतियों के समूह को तारामंडल कहते हैं। एक तारामंडल में केवल कुछ तारे ही नहीं होते, बल्कि बहुत सारे तारे होते हैं, परंतु हमें केवल वही दिखाई देते हैं जो बहुत अधिक चमकीले होते हैं। इन्हें पहचानने के लिए आपको यह जानना होगा कि कोई विशेष तारामंडल कैसा दिखाई देता है और रात्रि के आकाश में उसे कहाँ देखा जा सकता है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं अर्सा मेजर से मिलने। अर्सा मेजर सर्वविख्यात तारामंडलों में से एक विख्यात तारामंडल है। इसे आप गर्मियों में रात्रि के प्रथम प्रहर में देख सकते हैं। इस तारामंडल को बिग डिपर, ग्रेट बियर अथवा सप्तऋषि भी कहते हैं। इस तारामंडल में 7 चमकीले तारे होते हैं। यह किसी बड़े चमचे अथवा क्वेश्चन मार्क जैसा दिखाई देता है। इस चमचे की हत्थी में 3 तथा कटोरी में 4 तारे होते हैं। सप्तऋषि की सहायता से आप ध्रुव तारे का भी स्थान ज्ञात कर सकते हैं। देखें कैसे। सप्तऋषि के सिरे के 2 तारों को देखिए। इन दोनों तारों से गुजरने वाली एक सरल रेखा की कल्पना कीजिए। यह रेखा उत्तर दिशा में आगे बढ़ने पर एक ऐसे तारे पर पहुंचती है जो अधिक चमकीला नहीं है। यही ध्रुव तारा है। यह तारा अन्य तारों की भांति पूर्व से पश्चिम की ओर गति नहीं करता, बल्कि हमारी पृथ्वी की तरह ही पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है। अब चलते हैं एक अन्य विख्यात तारामंडल ओरायन के पास, जिसे हम सर्दियों में मध्य रात्रि में देख सकते हैं। यह आकाश में
सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिना जाता है। इसमें भी 7 या 8 चमकीले तारे हैं। ओरायन को शिकारी भी कहा जाता है। इसके 3 मध्य के तारे शिकारी की बेल्ट को निरूपित करते हैं तथा 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा सिरियस ओरायन के नजदीक ही नजर आता है। सिरियस को ढूंढने के लिए ओरायन के मध्य के 3 तारों से गुजरने वाली रेखा की कल्पना कीजिए। इस रेखा को पूर्व दिशा की ओर बढ़ते देखिए। अब इस रेखा के अनुदेश आपको एक अत्यंत चमकीला तारा दिखाई देगा। यही तारा सिरियस है। तीसरा प्रमुख तारामंडल कैसियोपिया है। यह सर्दियों में रात्रि के प्रथम पहर में दिखाई देता है। यदि आप इसे देखेंगे तो ये कहेंगे कि यह अंग्रेजी के अक्षर W या M को फैला दिया हो, इस प्रकार से प्रतीत होता है। अब मिलते हैं लियो मेजर से। जैसे कि आपको लॉयन की आकृति नजर आ रही है, इसका नाम भी लियो मेजर इसी कारण रखा गया है। इसमें 10 की संख्या में तारे हैं। एक अन्य तारामंडल है लघु सप्तऋषि अथवा स्मॉल बियर। इस तारामंडल में भी ग्रेट बियर की तरह 7 तारे होते हैं, परंतु ये ग्रेट बियर की अपेक्षा थोड़ा नजदीक हैं। अर्सा मेजर के पास ही एक अन्य भव्य तारामंडल है जिसे ड्रैको का नाम दिया गया है। ड्रैको में टोटल 15 तारे हैं, परंतु ये तारे थोड़े धुंधले हैं। यह 8वां सबसे बड़ा तारामंडल है। इसे भी अर्सा मेजर के पास ही जुलाई के महीने में देखा जा सकता है। तो बच्चों, ये थी हमारी तारामंडलों की यात्रा। भला कैसी रही हमारी ये यात्रा?